हेलो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल शोशो क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बीए जनरल सेमेस्टर थर्ड के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर दिसंबर 2024 में होने हैं नेम ऑफ द पेपर इज़ पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मैक्सिमम मार्क्स हंड्रेड थ्योरी पेपर नाइन्टी मार्क्स इंटरनल असेसमेंट टेन मार्क्स की टाइम थ्री आवर्स इंस्ट्रक्शन फॉर द पेपर सेटर्स एंड कैंडिडेट्स द सलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू फोर यूनिट्स देयर शेल बी नाइन क्वेश्चन इनऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्पल्सरी एंड शेल बी शॉर्ट आंसर टाइप कंटेनिंग ट्वेल्व शार्ट क्वेश्चन स्प्रेड ओवर द होल सलेबस टू बी आंसर्ड इन अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वर्ड्स ईच पूरे सिलेबस में से नाइन क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे डेल्प शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से नाइन का आपने आंसर देना होगा और ये आंसर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वर्ड्स के बीच होना चाहिए द कैंडिडेट्स आर इक्वायर टू अटैम्प्टाइन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग एटीन मार्क्स दैट इज टू मार्क्स ऑफ ईच स्टार्टिंग में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे टू मार्क्स के नाइन शॉर्ट क्वेश्चन आपने जिसमें से ट्वेल्व में से नाइन का आंसर देना होगा इस तरह एटीन मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बाकी पेपर जो है फोर यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक यूनिट में से दो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें से एक का आपने आंसर देना होगा रेस्ट ऑफ द पेपर शेल कंटेन फोर यूनिट्स ईच यूनिट शेल हैव टू ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड द कैंडिडेट शेल बी गिवन इंटरनल चॉइस ऑफ अटेम्प्टन क्वेश्चन फ्राम ईच यूनिट फोर इन ऑल ईच क्वेश्चन विल कैरी एटीन मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन एटीन मार्क्स का होगा फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन असड अर्यर फॉर इंटरनल अससमेंट द मार्क्स स्क्योर बाई दैम इन थ्यूरी पेपर विल प्रपोर्शनली बी इंक्रीज टू मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द पेपर इन ल्यू ऑफ इंटरनल असैसमेंट प्राइवेट कैंडिडेट्स के इंटरनल असैसमेंट उनके थ्यूरी पेपर की परसेंटेज निकाल के लगाई जाती है यूनिट फर्स्ट जिसमें है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस नेचर स्कोप एंड इट्स इम्पॉर्टेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर कैनन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वैगनर्स लॉ वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस कॉक हाइपोथीसिस ऑफ द रिसेंट ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट में से दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन हर एक यूनिट में से दो होंगे जिसमें से एक का आपने आंसर देना होगा स्टूडेंट्स इसके अलावा आप सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन के वीडियो और सिलेबस के वीडियो यहीं से देख सकते हो आने वाले समय में इन सभी को अपडेट भी कर दिया जाएगा और इसके क्वेश्चंस कैसे पेपर में आने हैं इसके लिए आप इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर देख लेना उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रपेयर कर लेना वहीं से आपका पेपर पूछा जाएगा उसी में से क्वेश्चन मोल्ड करके पूछे जा सकते हैं लेकिन पेपर उसी में से ही पूछा जाता है हाँ जी नेक्स्ट है टैक्सेशन क्लासिफिकेशन एंड कैनस कैरेक्टर ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम यूनिट सेकेंड में है इंसीडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्जेशन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी Taxable capacity, absolute and relative capacity, determinants of taxable capacity, public debt, its types and role, burden of debt and methods of its redemption, defect financing, objectives and limitations. Unit 3rd, pure theory of international trade, classical and hexer, all in theories, the theory of reciprocal demand. Terms of trade concept and types, commercial policy, free trade versus protection, regional blocks, ASEAN, and softer problems and prospects. Impact of WTO on less developed countries. Students most important questions and syllabus ke ilawa, Punjabi compulsory. और शोशोलोजी के पूरे सिलेबस के लेक्चर्स के वीडियो भी यहीं पे मिल जाएंगे बहुत इजी वर्डिंग में सारा सिलेबस करवाया गया है इसके लिए आप प्लेलिस्ट लिस्ट खोल के देख सकते हो यूनिट फोर्थ है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिसक्वेबरियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कॉजेज एंड मेजर्स टू करेक्ट द डिसक्बरियम एक्सचेंज रेट मीनिंग एंड इट्स डिटर्मिनेट्स फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सीबल रेट ऑफ एक्सचेंज एंड परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी आईएमएफ एंड आईबीआरडी ऑब्जेक्टिव्स वर्किंग एंड अचीवमेंट्स स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट सिलेबस का वीडियो जो कि दिसंबर 2024 में इकोनॉमिक्स का पेपर होगा आपका उसके लिए बाकी अगर आपको कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो थैंक यू सो मच मिलती हैं हम अपने अगले वीडियो में